वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आन एकेडमी। क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 केमिकल रिएक्शंस एंड साइंस। यू ऑलरेडी डिस्कस्ड द मेन ऑब्जेक्टिव्स, न्यू टर्म्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक एलिमेंट, एटम and compound. That topic we already discussed in previous class. Now the next topic of this chapter, it is on page number 37, chemical reaction. So what is chemical reaction? We will discuss in this topic. We have seen the brown fleshy substance on the iron object. Have you noticed that a slice of apple turn brown when exposed? A cut brinjal also show discoloration and why? यहाँ पे कुछ examples हमको दिए हुए हैं, जैसे iron की कोई object इसको अगर हम खुले में छोड़ देते हैं तो उस पर brown color का एक powdery substance आ जाता है। इसी तरीके से apple को हम काटते हैं तो कुछ समय बाद देखते हैं तो वो उसकी जो स्लाइस होती हैं एप्पल की वो ब्राउन कलर की हो जाती हैं। इसी तरीके से अगर हम बैंगन को ब्रिंजल से यानी बैंगन को काट के रखते हैं, अगर पानी में नहीं रखते ऐसे ही खुले में रख देते हैं तो वो काले पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? द ब्राउन फ्रेशी सब्सटेंस ऑन आयरन ऑब्जेक्ट इज रस्ट। आयरन ऑब्जेक्ट पर जो ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस है वो एक्चुअली में रस्टिंग होता है, जंग लगना जिसे कहते हैं। इट इज ए हाइड्रेट ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ये फेरिक ऑक्साइड का हाइड्रेट होता है। द रस्ट फॉल्स ऑफ द फ्रेश मेटल सरफेस गेट एक्सपोज्ड टू एयर एंड मॉइस्चर कॉजिंग ए केमिकल रिएक्शन कॉल्ड द कोरोजन। कि जब रस्टिंग जो होती है वो जनरली जो फ्रेश मेटल पीस जो होते हैं उसकी सरफेस को अगर हम एयर और मॉइस्चर में एक्सपोज कर देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होती है और ये ब्राउन कलर की लेयर हमको उस पर दिखाई देती है। इस रिएक्शन को बोला जाता है कोरोजन। सिमिलरली ब्रिंजल एंड एप्पल बिकम डार्क ड्यू टू केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस ऑन देयर एक्सपोज सरफेस। इसी तरीके से एप्पल और ब्रिंजल के जो पीसेज होते हैं उनका जो कलर चेंज होता है वो भी इसी तरीके से होता है, क्योंकि उनको हम खुले में एक्सपोज कर देते हैं तो उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो एयर के साथ में रिएक्ट करते हैं और उस वजह से उनका कलर चेंज हो जाता है। तो डेफिनेशन आती है, केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज ब्रॉट अबाउट इन अ सब्सटेंस बाय ऑब्जर्व एंड इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी टू फॉर्म वन और मोर न्यू प्रोडक्ट विथ अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल रिएक्शन वो चेंज होता है जो किसी सब्सटेंस में आता है हीट एनर्जी को या तो एब्सॉर्ब करने पर या उसको इवॉल्व करने पर, यानी कि एनर्जी को टेकन करने पर या एनर्जी को रिलीज करने पर होता है, जिसमें वन और मोर देन वन टाइप के न्यू सब्सटेंस बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, वो केमिकल चेंज कहलाते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक पेट्रोल एंड एलपीजी, डाइजेशन ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस, कर्डिंग ऑफ मिल्क, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्योंकि इसमें नई चीज़ बन जाती है, जैसे दूध है, दूध से दही का जमना, ये न्यू सब्सटेंस हो गया, प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती हैं, तो ये केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। नाउ द कंडीशन फॉर द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के लिए क्या कंडीशंस नेसेसरी होती हैं? द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द केमिकल चेंजेस आर सब्सटेंस शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जो सब्सटेंस है जिनमें केमिकल चेंजेस होने हैं या रिएक्शन होनी है वो दोनों कॉन्टैक्ट में होने चाहिए। एनर्जी चेंज शुड बी अकर्स। यहाँ पर एनर्जी का चेंज होना बहुत ज़रूरी है। आइदर एनर्जी इसके अंदर एब्जॉर्ब की जाती है या एनर्जी को रिलीज किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। ओके, आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। Thank you.